दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों पेटीएम की तरफ से पोस्ट पेड मिनी लॉन्च किया गया है, जहां पर पेटीएम के द्वारा बताया गया है कि अब सभी को पेटीएम पोस्ट पेड की लिमिट मिलेगा। पेटीएम जो है पोस्ट पेड मिनी में कितना लिमिट रखा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इसमें पेटीएम के द्वारा बताया गया है कि मिनिमम 250 रुपया की लिमिट मिलेगा और मैक्सिमम 1000 रुपया की लिमिट मिलेगा पेटीएम पोस्ट पेड मिनी में। आप इसे एडिशनली के तौर पर अपग्रेड कर पाओगे अगर आपका क्रेडिट स्कोर या फिर सिविल स्कोर अच्छा रहता है, तो अप टू 60,000 रुपया तक आप जो है इसे अपग्रेड कर पाओगे। इनका जो यहाँ पर पार्टनर है वो यहाँ पर आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड है। तो इसे अप्लाई कैसे करना है वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको पेटीएम ऐप में चले आना है। पेटीएम ऐप में आने के बाद आप लोग स्लाइड करोगे तो यहाँ पर पेटीएम पोस्ट पेड वाला ऑप्शन दिखेगा। आप लोग अपने अकाउंट को लॉग इन करके उसके बाद पोस्ट पेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। अगर लॉग इन होंगे तो बहुत अच्छी बात है। पेटीएम पोस्ट पेड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की इंटरफेस नजर आएंगे। आप ऊपर में देख सकते हैं पेटीएम नाउ पे लेटर बताई गई है, यानी कि अभी आप जो है यहाँ पर पेटीएम की मदद से खरीदारी कर सकते हैं इस अमाउंट से, और आप उसका पेमेंट बाद में कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हैं, गैस बिल पेमेंट कर सकते हैं, इसके साथ ही आप जो है इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम मॉल पर खरीदारी कर सकते हैं, पेट्रोल पंप पर जाकर आप जो है पेट्रोल या फिर डीजल वगैरह परचेस कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन कहीं स्टोर पर आप जो है पेटीएम मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप यहां पर काफी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। जिस क्यूआर कोड पर पेटीएम पोस्ट पेड एक्टिवेट होगा उस पर आप काफी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे स्लाइड करने की ऑप्शंस मिलेंगे, जहां पर स्लाइड करके आप जो है पूरा इंफॉर्मेशन काफी आसानी से देख सकते हैं। यहां पर बताया गया है कि आपको जो है अप टू 60,000 रुपया तक लिमिट मिल सकता है। इसके साथ ही पे लेटर इन फुल और ईएमआई, यानी कि आप जो भी इस्तेमाल करते हैं उसका पेमेंट आप एक बार में कर सकते हैं, या फिर उस अमाउंट को ईएमआई पर कन्वर्ट कर सकते हैं, और ईएमआई पर कन्वर्ट करके आप जो है मंथली ईएमआई बेसिस पर आप जो है काफ़ी आसानी से उसका पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि आपको जो है अप टू 30 डेज का कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। अगर आप सही समय पर पेमेंट कर देते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। एक्टिवेशन फी भी नहीं है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि इससे आपका क्रेडिट स्कोर या फिर सिविल स्कोर भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है पहले से तो बोल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो वो अच्छा होने लगेगा अगर सही समय पर आप पेमेंट करोगे, और आपका बढ़ता भी रहेगा। तो यहाँ पर आप स्लाइड करके और सारा इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं कि कन्वीनियंस चार्ज 0% से लेकर 3% तक आपको लगते हैं, जो कि आगे की वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर आपको नीचे टर्म एंड कंडीशन की ऑप्शन दिखेंगे, आपको वहाँ पर टिक कर देना है। हालांकि पेटीएम पोस्ट पेड वाला जो गेट पोस्ट पेड है उस पर क्लिक करोगे तो नहीं होगा। आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके और उसके बाद नीचे वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके प्रोसीड करना होगा। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस नजर आएंगे, जहां पर एंटर डिटेल की ऑप्शंस आ रहे हैं, जहां पर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना होगा और डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ऊपर में टोटल के टोटल 4 स्टेप्स बताए जाएंगे, जहां पर आपको कुछ डिटेल एंटर करनी है। उसके बाद आपको ऑफर बता दिया जाएगा कि आपको जो है पोस्ट पेड में लिमिट कितना मिला है, और उसके बाद आपको KYC करना होगा, और KYC करने के बाद आपका पोस्ट पेड लिमिट एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जैसे ही आप अपना पैन नंबर यहां पर दर्ज करते हो, नीचे में आपका नाम बता दिया जाता है, और जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ यहां पर एंटर करते हो दोस्तों, उसके बाद यहां पर नीचे में आपको ईमेल एड्रेस एंटर करना होता है। तो आप अपना ईमेल एड्रेस को दर्ज करिएगा, उसके बाद प्रोसीड वाले नीचे वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके आगे बढ़िएगा। लेकिन अभी आप देख सकते हो यहां पर सर्वर एरर लिखा गया है, यानी कि अभी जो है सर्वर वर्क नहीं कर रहा है। तो ये जो एरर है वो सिर्फ हमारे अकाउंट पर नहीं आए हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों के अकाउंट पर अभी एरर आ रहा है, जो कि आप लोगों का भी कमेंट आया था। इससे पहले हमने पेटीएम पोस्ट पेड मिनी के ऊपर वीडियो बनाया था, आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि पेटीएम की तरफ से पोस्ट पेड मिनी लॉन्च किया गया है। तो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने यही कमेंट किया था कि जब हम अप्लाई करने जाते हैं तो वहां पर सर्वर एरर बताया जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे इस अकाउंट पर भी सर्वर एरर बताया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालने से ऐसा प्रॉब्लम होता होगा, तो हमने यहाँ पर पैन कार्ड नंबर को चेंज करके भी देखा है, जो कि हम यहाँ पर 2-3 पैन कार्ड नंबर डालकर देख चुके हैं। डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ फिलअप करके देख चुके हैं, अदर पर्सन का पैन कार्ड नंबर डालकर देख चुके हैं, जिससे पेटीएम पोस्ट पेड लिमिट नहीं लिया गया हो, लेकिन फिर भी यहां पर एरर आ रहा है। लेकिन आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये सभी को एरर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहां पर अकाउंट स्पेसिफिक ये एरर चल रहा है। अभी हमारे अकाउंट पर ये एरर आ रहा है ना, तो इसके बाद हम कितना भी कोशिश करेंगे 1-2 दिन तक ये ठीक नहीं होगा। आगे फिर जब यहाँ पर ट्राई करते रहेंगे तो फिर कभी ये ठीक होगा, तो उसके बाद हम पेटीएम पोस्ट पेड के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। अब
एक ज़रूरी बातें आप यहाँ पर समझ लीजिए, आप अपना पैन कार्ड नंबर देते हैं, ईमेल एड्रेस दर्ज करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं, तो आपको पोस्ट पेड का लिमिट बताया जाएगा, जो कि बहुत सारे लोगों को लिमिट जो है 1000 के अंडर ही दिया जाता है। अब 1000 के अंडर जो आपको लिमिट मिलता है दोस्तों, उस पर 3% कन्वीनियंस भी लिखा जाता है। जब आप अपना लिमिट को एक्टिवेट करोगे तो उस पर 3% की कन्वीनियंस चार्ज लगेगा, जो कि आपके मंथली बिल पर वो ऐड कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, अगर 500 रुपया की आपको लिमिट मिलता है और आप लोग पेटीएम पोस्ट पेड का उतना इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं, आपको इससे कुछ फ़ायदा नहीं लगता है, तो आप ना ही लीजिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि 3% की ऐसे भी कन्वीनियंस चार्ज लगेंगे। जितना चार्ज लगेगा आपको नीचे में बता दिया जाएगा। अगर यहाँ पर ज़्यादा लिमिट मिलता है, आप लोगों को पता होगा कि पेटीएम का लाइट, डी लाइट और ई लाइट वेरियंट है, जिसके ऊपर हम एक डिटेल में वीडियो बना चुके हैं कि लाइट, डी लाइट और ई लाइट में क्या फ़र्क है। तो ई लाइट वेरियंट आपको मिलता है तो 0% की चार्जेस है, लेकिन यहाँ पर पेटीएम का जो मिनी पोस्ट पेड लॉन्च किया गया है ना, इसमें आपको लाइट और डी लाइट ही मिलता है। डी लाइट कहने का मतलब तो हटा ही दीजिए, इसमें आपको 3% की कन्वीनियंस चार्ज लगती है। ई लाइट वालों को नहीं लगता है, लेकिन डी लाइट और लाइट वेरियंट वालों को लगता है। तो 0% से लेकर 3% की कन्वीनियंस चार्ज लगती है। यहाँ पर जब आपको ऑफर बताया जाएगा, लिमिट बताया जाएगा, उसी समय आपको दिखाया जाएगा कि आपको यहाँ पर कितना कन्वीनियंस चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर आप पेटीएम पोस्ट पेड के लिए इच्छुक है, अगर आपको लगता है कि पेटीएम पोस्ट पेड से हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम इससे रिचार्ज या फिर खरीदारी वगैरह कर सकते हैं, तब आप ले सकते हैं काफ़ी आसानी से। हम सिर्फ इतना ही बताने वाले थे कि पेटीएम का पोस्ट पेड मिनी आप लेते हो और वहाँ पर अगर कन्वीनियंस चार्ज बताया जाता है, तो सोच समझ कर आप अकाउंट को एक्टिवेट करिएगा, यानी कि पोस्ट पेड लिमिट को एक्टिवेट करिएगा। जब एक बार आप जो है यहाँ पर पोस्ट पेड लिमिट ले लेते हैं, उसके बाद जो भी आप इस्तेमाल वगैरह करते हैं, कन्वीनियंस चार्ज आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको आगे कोई भी प्रक्रिया ज़्यादा नहीं है, बस आपको ऑफर दिखाया जाएगा कि आपको इतना लिमिट मिल रहा है, उसके बाद आप प्रोसीड करोगे तो KYC कंप्लीट करना होगा और उसके बाद फाइनली आपका जो पोस्ट पेड अकाउंट है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। लेकिन देखा जा रहा है कि लगभग सभी को अब जो है पेटीएम पोस्ट पेड दिया जा रहा है, हालांकि लिमिट कम मिले लेकिन मिलता जरूर है। बस आपको सिर्फ पैन नंबर एंटर करना होता है, पेटीएम की फुल KYC नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मिनी KYC पर भी आप काम कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको जो है पेटीएम की तरफ से पोस्ट पेड मिनी में कितना आपको यहाँ पर लिमिट मिला है। तो इस वीडियो में हमने आपको अच्छे से जानकारी दे दिया है, उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। अगर कोई एरर आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, तभी हमें आगे पता चल पाएगा और आप लोगों को थोड़ा बहुत हम हेल्प या फिर सपोर्ट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।